सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम जा रहे हैं नाइट आउट ब्लॉग करने। आज हम जा रहे हैं नाइट आउट। कहाँ जाएंगे भाई? कनॉट प्लेस। हम जाएंगे सीपी कनॉट प्लेस, और वहाँ से हो सका तो बंगला साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। सो चलते हैं। अभी मैं अपनी गली के बाहर खड़ा हूँ। ये रही मेरी गली, एंड ये तो पूरा बाबा बन के आ चुका है, और ये रही हमारी बाइक। बस हमारी बाइक में क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो ये टूट गई। कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत साथ दिया इस बाइक ने। सो चलते हैं गाइस, मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस, बहुत टाइम बाद व्लॉग आ रहा है। सॉरी, मेरे फ़ोन की कैमरा क्लैरिटी बहुत घट चुकी है। मेरा जो बैक साइड कैमरा है वो चटक गया है, बिल्कुल ही बहुत बेकार आ रहा है। सो अभी मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, फिर भी सही है क्लैरिटी। बट हमारे पास बैक में कैमरा भी है हमारा, सो हम कैमरे शूट करेंगे बाकी वहाँ कनॉट प्लेस जाके। सो आपको वहाँ मिलते हैं। तो गाइस, निकल चुके हैं। हेलमेट बड़ा वाला तो था नहीं, ये वाला लगाना पड़ गया, वो मैंने किसी को दे रखा है। तो वो शंकर भगवान की जय। तो गाइस, निकल चुके हैं, चलते हैं, पहले सफर के मजे लो। चलो ओके, मिलते रहेंगे अगले दिनों में। गाइस, आप लोगों के साथ साथ चली रहे सारा फ्लाइट। आपको पता है मैं कौन हूँ? महाराज जी, सभी जान समझे स्टा में, सभी जान समझे स्टा में। कुछ भी। ओहो, तो गाइस हम हैं पीरागढ़ी फ्लाईओवर पे, जो कि दिल्ली का फेमस फ्लाईओवर है। अभी हम वहाँ से उतर रहे हैं, वहाँ से फिर हम इधर निकलेंगे पंजाबी बाग की तरफ, कनॉट प्लेस की तरफ। तो मैं तो वो लग रहा हूँ मैकेनिक, केवल हेलमेट पहन के बस निकल जाते हैं। रातों को हमारे को नींद तो आती नहीं, वो निकल जाते हैं कहीं भी शूट करने। तो चल ही रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, व्लॉग एंड तक जरूर देखना। गुरुद्वारे के बाहर से मेरा कैमरा थोड़ा टूट चुका है, देखो लाइट में आप देख सकते हो। चलते हैं, अब हम जा रहे हैं अंदर। भाई बहुत ठंडे। ये आप लोग सोच रहे होगे पागलपंती हो रही है, बट ये हमारा ना ऐसे करके कुछ हैगा, साइन है हमारा स्किल्स आने का। बहुत ठंडा इधर, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा यार, बहुत ठंडा।
तो गाइस मैं ना थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, मैं अपनी गाड़ी की चाबी यहीं भूल गया। इस मामले में थोड़ा भुलक्कड़ हूँ मैं, हर बार का यही है, मैं यहीं भूल जाता हूँ। देखो गाड़ी चाबी लग रही है, सो का पहले करते हैं लॉक, चलते हैं। मैं जस्ट वहाँ पे जूते उतारने गया था, इतने में मेरे को याद आया कि गाड़ी की चाबी नहीं है, तो मैं वापस लेने आया। सो अभी हम जाके अंदर एंटर करते हैं। चलो वो ठंड हो रही है, मेरे को जुकाम हो गया, इतनी ठंड में फटी पड़ी है कि भाई मिल गई यार चाबी, ये लो। हर बार का यही है, मेरे हर बार ही भूल जाता हूँ मैं तो। चलो यार चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ये गुरुद्वारा है, यहाँ से कहाँ जाएंगे यार। तो गाइस हम गुरुद्वारे में आ गए, पीछे हमारे पूरा गुरुद्वारा है, एंड हम यहाँ पर हैं। अभी हम चक्कर लगा रहे हैं पानी का, ये रहा जो प्रार्थना होती है। बहुत ठंड लग रही है, बिल्कुल प्यार ना सुन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी विश मांगने के लिए फिर भी हम चल रहे हैं। बहुत ठंड लग रही है, कसम से फटे जा रही है, बस हमारे में मेहर बनाए रखना भगवान बस। बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन ठंड के मारे, बहुत ही ज़्यादा ठंड के मारे ना पैर सुन पड़े, हाथ पैर। चले भाई आगे, यहाँ पे ये देखो ये चीज़ें मना है, ये लड़कियाँ बन के आ जाती है ना जो हुरकी परियाँ, तो प्लीज़ ये सब ना पहन के आए यहाँ पे, नहीं बहुत मार लगी कि ऐसे बन के आए ढक के बिल्कुल, ठीक है। चले भाई अब चलते हैं, लंगर खाओगे? लंगर खाओगे राइट, बिल्कुल भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। रात के कितने बज रहे हैं, फोन निकालो टाइम देखो भाई, अपना टाइम निकाल देता हूं। भाई रात के देख लो 2:37 हो गए हैं, 2:37 हो रहे हैं, तो लेकिन भूख बहुत तेज लग रही है और ठंड भी बहुत। चलो पहले लंगर खाने चौक पर, लंगर खाने जाते हैं। हमारे को लंगर नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर देखो किसी ने हमको खुद पर खुद दे दिया प्रसाद। तो गाइस एक और बार हमें चाय मिल गई, पहले तो दूध मिला था जिसमें केसर डला हुआ था, मजा आ गया, लेकिन हमें चाय मिली है। अब थोड़ी रात मिली है, बहुत अच्छी वाली रात मिली है, ठंड इतनी लग रही थी ना, इतनी खुद हमारे पे चल के आ गई चाय। यहाँ पर सेवा बहुत अच्छी है वैसे खाने पीने की, आपको किसी चीज़ से लेके कमी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे खाने पीने से लेके किसी चीज़ की वो नहीं है। 24 घंटे बिल्कुल 24 घंटे हर चीज़ खाना पीना सब चलता है यहाँ पर। बट अभी तो लंगर बन रहा है, हम आ गए, हम आगे निकलते हैं, रात के 3 बजने वाले हैं ना भाई। हाँ, तो अभी हम पार्किंग में घुस गए, चाय पीते हैं और निकलते हैं कनॉट प्लेस। वो खड़ी हमारी बाइक, तो गाइस हम सीपी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो। पूरा सीपी सब चीज बंद पड़ी है, लेकिन हमारा मूड खराब हो गया है, लेकिन डिसीजन ये है कि यहाँ से निकलना ही बेटर रहेगा, क्योंकि पुलिस वाले पकड़ने तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो गाइस यहाँ इटी हो गई है, पूरा सीपी बंद पड़ा है, बस ये साइकिल वगैरह तो चलती है ना, ये सब तो, ये सब का भी पता क्या सीन है कि ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है एंड स्कैन करके उसको उसका लॉक खुलेगा, तो बहुत ज़्यादा फंडा करना पड़ता है, 200 पता नहीं कितने रुपए लगते हैं। सो अभी हम
सीपी गए थे लेकिन पूरा बंद पड़ा था उधर, पूरा पुलिस वालों का राउंड चल रहा था। इस मारे हम ज़्यादा गए नहीं, अभी रात के 3 बज रहे हैं, इस मारे हैं पूरा सीपी ऑफ है। बट आप इधर साइकिल वगैरह ये सब राइड कर सकते हो, बट वो भी पैसे दे के एंड ऑनलाइन फंडा है कुछ। सो अभी हम ऐसे ही यहाँ पर थोड़ी देर ऐसे ही बैठेंगे, फिर चलते हैं घर की ओर। वैसे हमने गुरुद्वारा तो घूम ही लिया, सीपी का ब्लॉग वैसे भी मैंने पहले डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो। एंड अगर और रिक्वायरमेंट है सीपी ब्लॉग की पूरा, तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं दोबारा बनाऊँगा डे में आकर, एंड आपको फ्लिप भी दिखाऊंगा, सब चीज़ दिखाऊंगा। इस रात के बज रहे हैं 4 और हम यहाँ फ़ोटो शूट कर रहे हैं। ये देखो कैमरे में फ़ोटो शूट हो रहा है, ये मेरी फ़ोटो कर रहा है, मैं इसकी फ़ोटो शूट कर रहा हूँ। ओके सिस्टम दे रखा है। अभी हम निकलने वाले हैं बस घर की ओर, सुबह होने वाली है, 4 बज गए, सुबह तो हो ही गई। ठंडी बहुत लग रही है लेकिन ठंड से पूछो बस एक ये और एक इसके अंदर ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। देखो देखो अजीब जानवर है, मजे ले रहे हैं। आप कोई भी नहीं है, हम साई हम ही हैं बस। अभी कुछ लोग वहाँ पर हैं वो जो कि साइकिल राइड कर रहे हैं बस। ब्लॉग तो बस चलते फिरते बन गया जैसा भी है, कमेंट में बताना। सो गाइस अभी हम फोटो शूट के बाद मिलते हैं। लियो एक फोटो लियो ऐसे करके। इस व्लॉग को मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं। टाइम हो चुका है 4:30 बज गए, 4:21 हो रहे हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, पीस आउट।